हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। दोस्तों, ये हमारी प्रीवियस वीडियो का पार्ट टू है। हम ऑलमोस्ट रोज ही देखते हैं कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को ऑडियंस और मीडिया की तरफ से हेट का सामना करना पड़ता है। ये वो एक्टर्स हैं जो पहले तो सबके फेवरेट हुआ करते थे, पर उनकी कुछ पब्लिकली की गई हरकतों की वजह से लोग अब उन्हें उतना पसंद नहीं करते। पर इंडस्ट्री में ऐसे भी कई एक्टर्स हैं जिन्हें कोई भी हेट नहीं करता। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनके जीरो हेटर्स हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जॉनी लीवर। सिर्फ कॉमेडी रोल्स ही करने वाले जॉनी का लोगों में एक अलग ही क्रेज है। बॉलीवुड में कई स्मॉल टाइम और बिग एक्टर्स भी कॉमेडी करते हैं या कॉमेडी में अपना हाथ आजमा चुके हैं, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जॉनी किंग ऑफ कॉमेडी हैं। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आज जॉनी से बढ़िया कॉमेडी टाइमिंग किसी और कॉमेडियन या एक्टर की नहीं है। 350 से भी ज्यादा फिल्म्स में लोगों को हंसाने की वजह से ही जॉनी को हर एज ग्रुप के लोग जानते और पसंद करते हैं। किसी फिल्म में जॉनी का होना अपने आप में ही फिल्म का एक प्लस पॉइंट माना जाता है। वो कहते हैं ना, रुलाना तो बहुत आसान होता है पर किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। तबू। तबू एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में हमें कई डायनामिक फीमेल कैरेक्टर्स दिए हैं और उनकी इन सभी डिफिकल्ट कैरेक्टर्स को निभाने की कला ने ही आज तबू को ऑडियंस का फेवरेट बना दिया है। तब्बू की फिल्म्स की चॉइस इतनी अच्छी मानी जाती है कि हर कोई उनकी अगली फिल्म आने का बेसब्री से इंतजार करता है। तब्बू एक अलग ही लेवल की एक्ट्रेस है और लोग उन्हें कभी हेट नहीं करते। कोंकणा सेन शर्मा। भले ही कोंकणा कम फिल्म्स करती हैं, पर उनकी एक्टिंग स्किल्स और फिल्म्स की चॉइस बाकी कमर्शियल फिल्म्स करने वाली एक्ट्रेसेस से हमेशा ही अलग रही हैं। कोंकणा की ज्यादातर फिल्म्स ऐसे इश्यूज पर बेस्ड रही हैं जिनसे कभी कभी कुछ लोग नाराज तो हो जाते हैं, पर उनकी ऑफ स्क्रीन डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से उन्हें हेटर्स का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि यह इजीली समझा जा सकता है कि वो अपनी फिल्म्स और कैरेक्टर्स को लेकर कितनी पैशनेट है। नॉन कमर्शियल फिल्म्स करने के बावजूद भी कोंकणा की ऑडियंस में एक अलग ही जगह है और आज भी जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो हर कोई उसे देखना पसंद करता है। नहीं, इतना आसान नहीं होता उमेश। क्यों? पैसे लगते हैं एंड प्रभु भी बहुत प्रेशर है बेचारे पे। नहीं समझोगे? मैं क्या समझूंगा, मैं तो गवार हूं ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर माधवन। वैसे तो माधवन कम ही बॉलीवुड फिल्म्स में नजर आते हैं, पर जितनी भी बॉलीवुड फिल्म्स में उन्होंने काम किया है उनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा ही रिमार्केबल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही हैं। अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। सतीश सर ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। विक्रम साराभाई के जाने के बाद मेरी अकड़ में अंगड़ाई जरूर आई थी, मैं हड़बड़ा सा गया था। माधवन के बारे में उनके को-स्टार्स हमेशा कहते हैं कि माधवन की ऑफ स्क्रीन नेचर इतनी ऑनेस्ट और स्वीट है कि चाहकर भी उन्हें कोई हेट नहीं कर सकता, और यही नेचर उनके हर कैरेक्टर में भी साफ नजर आती है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पुलिस या आईएएस में भर्ती हो जाओ, बदलो चीजों को, लेकिन तुम नहीं करोगे। सो फ्रेंड्स, इट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल।